बाबा जाने अगर मैं जिंदगी की कोई जंग हार गई तो। सर पर हाथ रख के कहने लगे, मेरा बच्चा जिन बेटियों के ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होते हैं ना, कभी भी जिंदगी की कोई जंग नहीं हार सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है वो है मेरे पापा की बरसी, उनकी 16th डेथ एनिवर्सरी है जी। आज 16 साल हो गए हैं उनको हमसे बिछड़े हुए, और ये लम्हा लम्हा कैसे गुजरा और 16 साल हो गए ये तो सिर्फ वही जानता है जिस पर बीतती है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे पापा जो हैं वो बहुत ही हमारी फैमिली की एक अजीम हस्ती थे, उनके बगैर ज़िंदगी को जीना नामुमकिन था। लेकिन वक्त जो है, हालात जो हैं वो आपको सिखा देते हैं जी। बिल्कुल अगर अम्मा की बात की जाए तो जी माँ तो बच्चों के बहुत ज़्यादा अटैच होती है, बच्चों के साथ हर चीज़, ज़िंदगी के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको उठना बैठना पहनना खाना हर चीज़ जो है वो माँ सिखाती है, इसलिए बच्चे जो हैं वो माँ के साथ तो ज़्यादा अटैच होते हैं। लेकिन इसमें हम अपने पापा की वो मेहनत, वो उनकी सारी स्ट्रगल कभी नहीं भूल सकते जो उन्होंने हमारे लिए की, और आज अपनी औलाद को उस काबिल बनाया कि वो अपनी दुनिया में एक शनाख्त रखें और अपने फैमिलीज़ को आगे लेकर चल सकें। तो जी हाँ बिल्कुल, हमारे पापा जो हैं वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आज भी हम कहीं जाएँ तो हमें हमारे पापा के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। और हमारे पापा बहुत ही मेहनती और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही सिंसियर थे। हमारे पापा की जो आज उनकी औलाद कामयाब है या जो कुछ भी उनकी औलाद आज है वो सिर्फ़ हमारे पापा की बदौलत है, क्योंकि वो एक बहुत ही वफादार जीवन साथी थे हमारी अम्मा के साथ। तो बस जी आज खाना बनवाया जा रहा था, और सबसे पहले सुबह जो है भाई के कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान जाकर जो है कब्र धुलवाई गई, कब्र पर फूल डाले गए, और जी वहाँ पर दुआ मांगी गई। तो एक दफ़ा दिल जो है वो बिल्कुल ठहर जाता है, फट जाता है दिल जब ये सोचा जाता है कि आज 16 साल हो गए हैं। जब हमारे पापा की डेथ हुई थी तो शाहरुख जी बहुत ज़्यादा छोटा था, शहजाद भाई, सुहेल भाई, ये सब बहुत छोटे थे। लेकिन उस टाइम पर हमारे शाहिद भाई ने जो है वो खड़े होकर ये कहा कि नहीं, तुम लोगों के नहीं, मेरे पापा की डेथ हुई है, यतीम मैं हुआ हूँ, तुम लोग नहीं, क्योंकि तुम लोगों के सर पर मैं हूँ। तो उस चीज़ का आज तक एहतराम और वो इज़्ज़त हमारे दिल में है जो शाहिद भाई ने हमारे लिए बहुत सी स्ट्रगल्स की, और आज हम भी कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम कहें कि हमारे पापा होते तो ये होता। हमारे शाहिद भाई ने हमेशा अम्मा के साथ जो है कंधे के साथ कंधा मिलाकर अपने बहन भाइयों के फ़राइज़ अंजाम दिए और दे भी रहे हैं। तो बस जी यहाँ पर खुद पास खड़े होकर जो है उनकी बरसी के लिए खाना बनवाया गया, और अभी हम लोग खाना लेकर जाएंगे घर। तो बस जी अभी खाना जो है यहाँ पर बिल्कुल रेडी और गाड़ी में रखा जा रहा है। ये जी हैं हमारे पाकिस्तानियों के देसी जो गार्ड के, खाना जो है वो गाड़ी में रखा जाए। और यहाँ पर मज़े की बात है कि यहाँ पर पूरी कोशिश की गई थी कि दोनों देगे जो है ना वो गाड़ी की डिग्गी में आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिर एक देग जो है वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर इन्होंने रखी और दूसरी जी डिग्गी में। बिल्कुल जी यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि जी इतनी क्या मुश्किल थी, आप जो है खाना वो अलग से रिक्शे में भी या कोई भी कन्वेंस जो है वो हायर कर सकते थे। लेकिन जी जब पाकिस्तानी जो गार्ड्स पर आते हैं ना तो उनको होता है नहीं जी, हमने ऐसे ही लेकर जाना है। अच्छा जी यहाँ पर देखें, मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि जी शाहिद भाई जैसी औलाद खुदा सबको दे। तो यहाँ पर शाहिद भाई, अम्मा की बरसी हो, पापा की हो, कोई भी दुआ जब पाकिस्तान में करवाई जाती है वो वहाँ पर ख़ुद भी करते हैं, वो हमारे से दूर हैं, यूरोप में हैं। तो देखें जी आज पापा की बरसी थी तो उन्होंने जो है यहाँ पर अफ़गानी पुलाव बनाया और बैठ कर जो है यहाँ पर दुआ कर तो सारे अपने फ्रेंड्स को जो है यहाँ पर खाना खिलाया,
और क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता है इस तरीके से बांटने का तो कोई वो तरीक़ेकार नहीं होता, लेकिन वो सब वहाँ पर ये इकट्ठे होकर बैठते हैं, खाना खाते हैं, और कोई भी उनके करीब जो लोग होते हैं उनकी तरफ वो पैकिंग कर कर तो भिजवा देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर शाहिद भाई भी जो है वो अम्मा पापा की बरसी जो है ना वो मनाते हैं। इवन के जब अम्मा की हम लोगों ने चेहलम की जो दुआ करवाई थी ना तब भी वो बिल्कुल इसी तरीके से ही करते थे। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਵਖਾਵਾਂ। अजीज वो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुखली बाप भूल को खुदा मुझे कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे मेहरबान खुदा आज हम की कुर्बानी तेरे रसूल में नजर करते हैं तेरे बंदु की याद में का खासतौर पर चौधरी इकबाल खुशिया और उल्फत बीबी की याद में मेहरबान खुदा अपने लोगों को फना के बंदशुदा कर हमेशा की जिंदगी में शामिल कर मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। दिलीप ने सब कुछ बनाया उसे भेजा कि मैं चुनाव के चार कुदस की कुदरत से इंसान पर कमारी मरीम से पैदा हुआ। तो बस जी यहाँ पर जो है अभी खाना अब हम लोग खाना खाएंगे। दुआ हो चुकी है, बहुत ही ब्लेसफुल प्रेयर यहाँ पर हुई थी। सब जो हैं हमारे रिलेटिव्स और घर के सब लोग बैठे दुआ की, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो भाइयों ने की और बहुत ही अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो जी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।